इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोट वेव फ्यूरी स्मार्ट वॉच को कंप्लीट स्मार्टफोन से कनेक्ट करके कंप्लीट एक एक फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं, खुद का फोटो कैसे सेट कर सकते हैं, कॉलिंग फीचर्स एंड नोटिफिकेशन मैसेजेस वगैरह कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कंप्लीट सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात करें तो वॉच को आपको ऑन कर लेना है, वॉच हमारा ऑन है। एंड सबसे पहले एक आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, बोट वेरेबल्स करके ये ऐप है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से कुछ सर्च कर लेना है एंड इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐप आ गया है। इसके बाद क्या करना है, ऐप को ओपन करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फ़ोन में आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, फ़ोन का आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, फ़ोन का आपका लोकेशन जो है ऑन होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें हमारे ऑन है, तो उसके बाद हम ऐप को ओपन करते हैं एंड स्मार्ट वॉच हमारा पास में है एंड स्मार्ट वॉच हमारा ऑन भी है। कुछ इस तरीके से ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ परमिशंस मांग रहा है, यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से ओके करना है, यहाँ पर आपको फिर से रिट्राई पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन एसेस करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बोट वेरिएबल्स करके आपका ऐप सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, यहाँ से ऑलो कर देना है। इतना करने के बाद उसके बाद आपको बैक आ जाना है कुछ इस तरीके से, बैक आ जाते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे परमिशन मांगेगा, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, फिर से व्हाइल यूजिंग द ऐप एंड यहाँ पे आपको ऑलो कर देना है, फिर से ऑलो कर देना है, फिर से ऑलो कर देना है, फिर से ऑलो कर देना है एंड यहाँ पे फिर से आपको ऑलो कर देना है, फिर से ऑलो कर देना है। जितना परमिशन मांगता है आपको ऑलो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आया, सेटअप पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्मार्ट वॉच सर्च कर लेना है, तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बोट वेव, सॉरी आपको यहाँ पे वेव फ्यूरी सर्च करना है, ठीक है। वेव FURY, वेव फ्यूरी जो मैंने यहाँ पे सर्च किया आप देख सकते हो, वेव फ्यूरी WAVE FURY, ये आपको सर्च कर लेना है, स्मार्ट वॉच यहाँ पे आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे नाम कंफर्म कर लेना है, वेव फ्यूरी कुछ यही आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर देना है, सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एनेबल ब्लूटूथ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमारा ब्लूटूथ ऑलरेडी एनेबल है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बोट यहाँ पे वेव फ्यूरी BT करके आ गया, ठीक है। इस पर हमें क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कनेक्ट होना जो है स्मार्ट वॉच से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से स्मार्ट वॉच में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ से आपको ये ग्रीन वाले बटन पर राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा स्मार्ट वॉच जो है स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गया है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सेटअप कर लेना है, अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम पेयर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे ब्लूटूथ से जो है फ़ोन के ये स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपडेट जेंडर पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपना एज सिलेक्ट कर सकते हो, अपडेट एज पर कर देना। यहाँ पर अपना हाइट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर अपना वेट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अपना गोल्स डाल सकते हो कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी पे फाइनली क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट योर जर्नी पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है, ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे माई वॉच का एक ऑप्शन है, देख सकते हो यहाँ पे, तो माई वॉच वाले ऑप्शन में आ जाना है। माई वॉच वाले ऑप्शन में आने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका स्मार्ट वॉच आ रहा है, बैटरी परसेंटेज देख रहा है कितना है एंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो है वॉच फेसेस का। तो वॉच फेसेस वाले अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके के आप सेट कर सकते हो। सो ये इंटरनेट के थ्रू लोड होता है, तो जैसा आपका स्पीड होगा उस हिसाब से ये लोड होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे आपको वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके के आप सेट कर सकते हो। अगर एक सेट करके दिखा दूँ तो सिंपली कुछ इस तरीके से क्लिक करना है एंड जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे ये 100% हो जाएगा ये फोटो जो है वॉच पे सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो 90% हो गया है एंड 100% होते ही जो हम फोटो सेट कर रहे थे कुछ इस तरीके से वॉच पे सेट हो गया है। तो कोई भी यहाँ से वॉच पे से आप जो है वॉच पे काफ़ी इजीली कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। बात करें खुद का फोटो कैसे सेट करना है तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन है कस्टम वॉच फेस का, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको बैकग्राउंड में चले जाना है। बैकग्राउंड में सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे अपलोड इमेज का एक ऑप्शन है, तो अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ से चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी फोटो आपको सेट करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोटो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन में जाके
आप यहाँ पे टाइम का जो है कलर चेंज कर सकते हो, किस कलर में टाइम दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम वाइट रखते हैं। यहाँ पे इन्फो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे और क्या क्या दिखना चाहिए वॉच पे, वो यहाँ से कंप्लीट जो है सेटअप कर सकते हो। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, एंड जैसे ये 100% होगा हमारा खुद का फोटो जो है वॉच पे सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें ये यहाँ पे वेट कर लेते हैं, एंड जैसे ही 100% होगा हम देखेंगे कैसे हमारा फोटो जो है वॉच पे सेट हो जाता है। एंड कुछ इसी प्रोसेस का यूज़ करके कम्प्लीटली काफ़ी इजीली जो है कोई भी फोटो आप गैलरी से डायरेक्ट स्मार्ट वॉच पे सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फोटो जो है स्मार्ट वॉच पे सेट हो गया है। इसी के साथ चलिए आगे बात करते हैं और फीचर्स हम कैसे एंड क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो जो वॉच में शो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस साइड वाले बटन को प्रेस करता हूँ मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं फ़ोन वाले ऑप्शन में जाता हूँ, अगर कॉन्टेक्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई भी कॉन्टेक्ट शो नहीं हो रहा है। एंड अभी चलिए यहाँ से हम कॉन्टेक्ट सिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे हम क्लिक करते हैं सबसे ऊपर, एंड जो भी यहाँ से कॉन्टेक्ट आपको सेट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सेट हो गया है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे मेनू में जाता हूँ, वॉच में, फ़ोन वाले ऑप्शन में जाता हूँ एंड कॉन्टेक्ट में जाता हूँ, तो देख सकते हो ये जो है हमारे वॉच में शो हो रहा है। तो कोई भी नंबर कुछ इसी तरीके से आप वॉच में सेट कर सकते हो। इसी के साथ हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन है, कोई भी अलार्म जो है आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से कैमरा कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से वाइब्रेशन मोड जो है आप यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ से सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से जो राइज टू वेक फीचर है यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड इसी के साथ बात करते हो यहाँ से 24:x फॉर्मेट यहाँ से आप इसमें सेटअप कर सकते हो। यहाँ से आप वेदर अपडेट को ऑन ऑफ कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ और हम बैक आते हैं। यहाँ से बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे नीचे एक ऑप्शन है अकाउंट का। तो यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाना है आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में। उसके बाद बात करें तो यहाँ से भी कुछ सेटअप करना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है। तो यहाँ से हम ऐप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एंड जिस भी सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए उसको यहाँ से ऑन रखना है एंड बाकी को जो है ऑफ कर देना है। तो अगर मुझे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए तो उनको मैं ऑन रखूंगा एंड बाकी को जो है यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ से नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो ऐप का। एंड यहाँ पे इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसको यहाँ से ऑन रखना है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट सेटअप आप कर सकते हो कंप्लीट स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके। एंड जैसे कि हमने यहाँ से कॉलिंग का नोटिफिकेशन ऑन रखा है, तो अब जो है जो भी कॉल आएगा तो हमारे स्मार्ट वॉच पे रिसीव होगा। एंड यहाँ से मैं कॉल करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो अभी मैं एक दूसरे स्मार्टफोन से कॉल कर रहा हूँ इस स्मार्टफोन पे। सो मैंने कॉल कर दिया है एक दूसरे स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन पे। एंड अभी हम देखते हैं, देख सकते हैं कॉल आएगा तो कुछ इस तरीके से स्मार्ट वॉच पे शो होगा। यहाँ से आप रिसीव करके स्मार्ट वॉच से बात भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो एंड कंप्लीट कुछ इस तरीके से जो है कॉलिंग फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपको बता दूं, कनेक्ट होने में अगर प्रॉब्लम आता है, अगर कॉल का नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से नहीं रिसीव होता है, तो आपको क्या करना है, आपको स्लाइड डाउन करके आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको देख लेना है जो आपका स्मार्ट वॉच है ब्लूटूथ से कनेक्ट है या नहीं। अगर कनेक्ट नहीं होता है बाई चांस, तो यहाँ पे आपको सर्च करके एंड मैनुअली जो है इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद ही जो आप कॉलिंग फीचर्स का कंप्लीट यूज़ कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया कंप्लीट स्मार्ट फोन से कनेक्ट करके स्मार्ट वॉच को कंप्लीट कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ फीचर्स आप वॉच से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये साइड में क्राउन बटन है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से स्क्रोल करके रोटेट करके जो है आप वॉच पे से चेंज कर सकते हो। अगर आप स्लाइड डाउन करते हो तो यहाँ से कुछ फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से सेटिंग्स में जा सकते हो, सेटिंग्स में ब्राइटनेस, लैंग्वेज, यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, यहाँ से रीसेट कर सकते हो एंड रिबूट कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो स्लाइड अप करके यहाँ से नोटिफिकेशंस जो भी आएंगे सोशल मीडिया का वो आप रिसीव कर पाओगे। यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, इस साइड स्लाइड करोगे तो यहाँ से हार्ट रेट मॉनिटरिंग, एक्टिविटी, यहाँ से स्पीड मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, वेदर अपडेट कंप्लीट यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप साइड वाले बटन को एक बार प्रेस करते हो तो मेनू ओपन हो जाता है, जहाँ से आप फ़ोन कॉल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से कॉन्टैक्ट देख सकते हो, यहाँ से कॉल रिकॉर्ड, कॉल हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट नंबर डायल करके कॉल कर सकते हो, यहाँ से स्पोर्ट्स मोड का यूज़ कर सकते हो, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, एक्टिविटी, हार्ट रेट, SPO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्टॉप वॉच का यहाँ से यूज़ कर सकते हो, नोटिफिकेशन यहाँ से भी देख सकते हो, वॉइस कंट्रोल यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से फाइंड माई फोन, अलार्म, कैमरा कंट्रोल एंड वेदर अपडेट का भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ से टाइमर का भी यूज़ कर सकते हो,
क्यूआर कोड स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने बताया। इसी के साथ बात करें तो यहाँ से भी जो आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सो कंप्लीट कुछ इसी तरीके से इसे स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करके एक एक फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।